सिवान शहर में एक ऐसे अस्पताल की शुरुआत हो गई है। इस अस्पताल से लोगों को काफी उम्मीद, भरोसा और विश्वास जुड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल यंग हैं, इमर्जिंग हैं, नए टेक्नोलॉजी से लैस हैं और नाखून, बाल और चमड़ा ये इंसान का ऐसा हिस्सा होता है, अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो आज हमारे साथ सिवान की जानी मानी एक ऐसी महिला चिकित्सक हैं जो कॉस्मोलॉजिस्ट एंड डर्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि चमड़ा रोग विशेषज्ञ हैं, सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि चमड़े में होने वाली जो बीमारियां हैं, बाल और नाखून में जो समस्या होती है, इससे कैसे बचा जाए और इनके पास क्या क्या सुविधा मौजूद है। डॉक्टर शबनम परवीन, आइए जानते हैं डॉक्टर शबनम परवीन जो इजरा हेल्थ केयर सेंटर की डॉक्टर हैं, इनसे हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, क्या क्या सुविधा आप दे रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शबनम परवीन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजी जी। यहाँ पर आप क्या क्या सुविधा दे रही हैं, जैसे नाखून है, बाल है और चमड़े की बीमारी है, तो हम जानना चाहेंगे जैसे सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, चमड़ा में बहुत तरह का रोग होता है जी। तो आप क्या क्या यहाँ व्यवस्था दे रही हैं जी। मैं तो इक्विपमेंट से भी देती हूँ, जैसे फोटोथेरेपी नेल के लिए हो गया तो फोटोथेरेपी वगैरह होता है, लेजर हो गया, हाइड्राफेशियल हो गया, वैम्पायर फेशियल हो गया, केमिकल पील हो गया, इस तरह के जितने भी सारी चीज़ें हैं स्किन में, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ यहाँ पे। हेयर के लिए भी है, जैसे हेयर के लिए है, जैसे उसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी हम देते हैं हेयर रीग्रोथ के लिए। अच्छा। और ये है कि प्लाज्मा थेरेपी से 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 95% आना ही आना है हेयर के लिए। नेल के लिए भी होता है कि नेल में जैसे सोरियासिस हो गया तो उसके लिए फोटोथेरेपी है हमारे पास, जैसे विटिल्यूगो के लिए है तो उसके लिए भी है, मेडिसिन भी है, इक्विपमेंट भी है, जिस तरह से लोग कम्फर्टेबल हो उसका मतलब ट्रीटमेंट कराते हैं जी। मैम आपसे एक सवाल मैं पूछना जरूर चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका बाल जो है समय से पहले झड़ने लगता है, गिरने लगता है और बाल का रंग भी बदल जाता है। ऐसे में अलग अलग मेडिसिन का और डॉक्टर का वे लोग जो है सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक मेडिसिन या बिना डॉक्टर से दिखाए यह बीमारी बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे। पहले बात तो हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए ये होता है कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है, बहुत सारा हार्मोनल बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो कुछ लोग ऐसे मेडिसिन देते हैं, ऐसे जैसे कि मेडिसिन में आता है मिनोक्सिडिल वगैरह दे करके, यंग लोगों में भी ये सारी चीज़ें देते हैं जिनका इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, उनको दिया जाता है। और हम यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल थेरेपी करते हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी जो होता है वो नेचुरल थेरेपी उसको बोलते हैं। तो वो चीज़ें करते हैं तो आपका एक नेचुरल तरीके से रीग्रोथ होता है, और साथ में बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो नेचुरल होता है, जैसे लोग चाहते हैं कि इसको नेचुरल हम ट्रीटमेंट कराएं तो नेचुरल दिया जाता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर शबनम परवीन जो लखनऊ जैसे बड़े अस्पतालों में भी वहाँ स्किन, नाखून और बाल से संबंधित बीमारियों का इलाज की हैं, और काफ़ी दूर दराज के मरीज वहाँ पहुँचते थे, अब किसी कारणवश सब सिवान में शिफ्ट हो गई हैं। लखनऊ की जानी मानी स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर शबनम परवीन, और यहाँ अपना समय दे रही हैं सिवान। मैं पता बताना चाहूँगा कि मैडम जो है ये श्रीनगर में भी बैठती हैं और जो चकिया बिंदुसार रोड है वहाँ पर भी प्रतिदिन अब समय दे रही हैं। तो मैम बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके बाल में कुछ रोग लग गया है, चमड़े में कोई बीमारी हो गई है, अगर उनका रिश्ता या उनकी शादी विवाह तय हो रहा है तो उनको देखने के बाद उनका रिश्ता टूट जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाल और चमड़े की बीमारी से परेशान हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहती हैं और खुल के अपना समस्या रखना चाहती हैं उनसे क्या कहेंगी। मैं चाहती हूँ कि वो आए और जिनकी शादी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी शादी होने वाली है और बालों की वजह से नहीं हो रही है, या फिर बाल हो या फेस हो, जिस कोई भी रीज़न हो, तो यहाँ पे हम केमिकल पील करते हैं, बहुत सारा केमिकल पील आता है, ब्राइडल पील, जो अभी लोग ये जानते हैं कि फेशियल वगैरह जो होता है सिर्फ सैलून और पार्लर वगैरह में होता है, नहीं यहाँ पे भी होता है, मेडिको फेशियल होता है, जैसे कि हाइड्रा फेशियल ले लीजिए और केमिकल पील ले लीजिए, ये सारी चीज़ें फेस के लिए आती है। और
तो वो करा सकते हैं, वो जैसे पार्लर वगैरह में कराते हैं तो वो हफ्ते दिनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो कराते हैं लोग तो वो जितने टाइम जाता है, जितना टाइम आपका जाएगा उतना ही आपका स्किन ग्लो करता है। यहाँ पे सिर्फ केमिकल पील, हाइड्राफेशियल और लेज़र ही नहीं बल्कि यहाँ पे परमानेंट मेकअप भी किया जाता है जी। और जैसे कि आपका हो गया केमिकल पील, ब्राइडल पील, जैसे शादी वगैरह के लिए हो गया, और ये सब आप करा सकते हैं केमिकल पील। और हेयर के लिए आपका हो गया कि बिल्कुल आपका 80% तक हेयर लॉस हो चुका है, तो उसके लिए हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, तो उससे आपका रीग्रोथ होता है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से होता है। ये आपका हो गया नेचुरल थेरेपी हो गया, रीग्रोथ होना ही होना है, ना का सवाल ही नहीं होता। चलिए, तो ये थी डॉक्टर शबनम परवीन जो हमसे बातचीत कर रही थी नाखून, बाल और चमड़े में होने वाली बीमारियों का, समस्या का होगा कैसे समाधान, इस विषय पर अपनी सुझाव दे रही थी। उम्मीद करते हैं कि जो लोग नाखून, बाल और चमड़े में अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो डॉक्टर शबनम परवीन से जरूर मिले, निश्चित रूप से इनके सुझाव से और इनके ट्रीटमेंट से लाभ होगा, समस्या दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।